ई प्रणाली व सचिवों की बहाली को लेकर जहां पूरे हरियाणा के सरपंच व सचिव धरने पर बैठे हैं, वहीं झज्जर के ब्लॉक मातनहेल के सरपंचों ने अपने विरोध का एक नायाब तरीका इख्तियार किया है। मातनहेल के ब्लॉक सरपंचों ने अपने सर मुंडवाकर अपना विरोध जताया और कहा कि हम सरकार की ई प्रणाली का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि सरकार इसमें सुधार करे और हमारे 9 सचिवों को बहाल करे। मातनहेल के सरपंच सत्येंद्र की माने तो सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। उन्होंने बताया कि उन्हें हरियाणा में सबसे कम ग्रांट दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 9 सचिवों को बहाल नहीं करती तो उनका आंदोलन और तेज होगा। सरपंच मातनहेल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पहले तो हमारे सचिव भाइयों को बहाल करे और फिर माफी मांगे, अन्यथा हमारा आंदोलन और तेज होगा। इस तरह है जी, सरकार ने हमारी आज तक हमें 2 साल और 2 महीने तकरीबन हो गए, आज तक एक भी मांग पूरी नहीं की। वो राशन कार्ड बनवाने के लायक हम नहीं, वो मकान बनाने लायक हम नहीं, हमारी नहर टूटी उसका मुआवजा तक देना सरकार आज तक अवेलेबल नहीं करा सकी। हम गए चंडीगढ़ गए, सारी बार गए, कोई उसका नहीं। और ये कहते हैं पंचायत बेईमान है, पंचायत बेईमान नहीं है, ई प्रणाली लागू करो लेकिन उसमें सुधार करो। हमारे 9 सचिव भाई हैं सेक्रेटरी, उनको छुट्टी के दिन सस्पेंड किया गया, क्यों किया गया? ये भी सरकार के खिलाफ है। पहले 9 भाइयों को बहाल करो, उसके बाद में माफी मांगो मुख्यमंत्री, कृषि अपने जो पंचायत मिनिस्ट्री वो, और उसके बाद में वार्ता चलेगी। और ये कहते हैं सरपंच सरकार के मैं मिले हुए हैं, बिल्कुल नहीं, ये 2-4% हैं, ये दल्ले हैं इनके। हम दल्ले नहीं हैं, हम भाइयों के साथ हैं। हमारी सरपंच एकता और सचिव एकता जिंदाबाद रहेगी। हम मर सकते हैं लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम मर सकते हैं, उल्टे नहीं हटेंगे। सरपंच एकता, सचिव एकता, सरपंच सचिव एकता, जैसे पंचायत मंत्री जी कह रहे हैं भी, हमें सरपंच को पहला हरियाणा राज्य ऐसा है जी 20 लाख रुपए तक के हमने अथॉरिटी दे रखे, सरपंच कहीं भी खर्च कर सकता है, ऐसा क्या आपको मिला हुआ है? नहीं, ये मानते तो खर्च कहाँ से करेगा? मानते हैं, घोषित तो कर दिया, हाथ में ठंडी नहीं, 20 लाख जाए कहाँ से? एक बादरी हल्का है, उसके 5-10 सरपंच 20 सरपंच इकट्ठा करके और सरपंचों के बीच में भेदभाव को पैदा कर रहे हैं। ये हमारे पास कहाँ मात्र हैं ब्लॉक में, मंत्री जी खुद आए थे खानपुर में, एक पैसा देने का काम नहीं। सीएम हमारे गांव में आए, सीएम पहली बार ये इतिहास मौका है, जिस गांव में आए उस गांव में एक पैसा नहीं देके गए। मातनहेल के अंदर सीएम की रैली हुई थी, उस दौरान जो घोषणाएं की हुई हैं वो पूरी हुई है या नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई, आज तक एक पैसे की नहीं हुई किसी भी गांव, और एक रुपया देने का काम नहीं। सरपंचों ने सरकार के विरोध में अपने सर मुंडवा दिए हैं और अब उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी सुनवाई जल्दी नहीं करती है तो उनका आंदोलन तेज होगा और कल से हर ब्लॉक में 3-4 सरपंच भूख हड़ताल करेंगे। मातनहेल से विक्की जाखड़ की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।